हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शिल्पा पुंडीर, अमेरिका के लुइविल सिटी से। और अमेरिका की बात करें तो यहां पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 26,000 से ज्यादा केसेस और पिछले 3-4 हफ्तों में यह आंकड़ा देखने को मिला है और रोज हजारों की संख्या में यहां पर न्यू केसेस सामने आ रहे हैं। हम शुरुआत में जब यहां पर केसेस मिले थे तो हम सोच रहे थे कि अरे अमेरिका में थोड़ा कुछ होगा, लेकिन अब जो यहां पर हालात बन रहे हैं वो सच में डराने वाले हैं। हालांकि जिस स्टेट में हम रहते हैं कैंटकी में, वहां पर करीब 90 केसेस मिले हैं, लेकिन शुरुआत में जब यहां पर केसेस मिले थे उसी समय से यहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया था और इमरजेंसी की कंडीशन में ही लोग बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए जहां पर हम रहते हैं प्लेनविल सोसाइटी, यहां पर संडे का वक्त है और लोग ज्यादातर अपने घरों में ही हैं, इमरजेंसी कंडीशन में ही कोई बाहर निकल रहा है। तो ऐसे हालात यहां पर बने हुए हैं। लेकिन जो चीज यहां पर जो सबसे ज्यादा डरा रही है वो ये है कि अमेरिका, आप देखिए, सुपर पावर है, मेडिकली इतना ज्यादा एडवांस कंट्री है, पॉपुलेशन के मायने में यहां पर कम पॉपुलेशन है इंडिया के कंपैरिजन। अब यहां पर जो हालात हैं वो डरा रहे हैं और एक तरह से 3 हफ्ते में जो अमेरिकी सरकार है पूरी कोशिश कर रही है निपटने की, लेकिन एक तरीके से सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में रोज केसेस सामने आ रहे हैं। भगवान ना करे अगर इस तरह के हालात हिंदुस्तान में बनते हैं तो कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मेरी बात हो रही है अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूं, अभी भी लोग वहां पर इस जो आपदा है कह सकते हैं इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं। कल ही मैं फेसबुक पे देख रही थी कि किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी की फोटो लगाई थी, गेट टुगेदर्स की फोटो लगा रहे हैं, किसी ने लिखा था कोरोना वायरस ब्रेक हॉलीडे, इस तरह की फोटोज वहां पर लगाई जा रही हैं। तो यानी कि अभी भी बहुत लोग लाइटली ले रहे हैं। वहां पर गौमूत्र पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, वहां पर कह रहे हैं कि अल्लाह के भरोसे है, हमें तो अल्लाह बचा लेगा। प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं, नमाजें अभी भी चल रही हैं, वहां पर यज्ञ हो रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए। तो आप, मुझे लगता है कि वहां पर लोग गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके सर पे खड़ी है। एक तरीके से वार वाली जो सिचुएशन होती है, आप बिल्कुल युद्ध के मुहाने पे खड़े हुए हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अमेरिका जैसा देश 3 हफ्तों में पूरी तरीके से धड़ाम है। यहां पर आप न्यूयॉर्क के हालात देख लीजिए, न्यूयॉर्क जो स्टेट है 2 करोड़ के करीब आबादी है वहां पर और 12,500 से ज्यादा केसेस, और रोज वहां पर बड़ी संख्या में वहां पर केसेस मिल रहे हैं। पूरी कोशिश यहां पर अमेरिकी सरकार लगा रही है, लेकिन हालात वही जो इटली और चाइना में थे वैसे ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप प्लीज गंभीरता को समझिए कि कितनी बड़ी यहां पर मुसीबत में आप फंसे हुए हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पर आप देखिए, गांव देहातों में शायद लोगों को अभी भी पता नहीं होगा, जो छोटे कस्बे हैं वहां पर अगर ये महामारी फैलती है तो कितनी बुरे हालात हो जाएंगे। आप हमेशा बात जो इंडिया में हमेशा टसल चलती रहती है 2 समुदाय के बीच के, नहीं हमारा देश है, नहीं हमारे पूर्वज हैं, हम कागज में दिखाएंगे, हमारा देश भी है। तो आपको अभी मौका मिला ये दिखाने का कि कितने आप राष्ट्रभक्त हैं, आप अपने देश को बचा सकते हैं। प्लीज प्लीज जो हालात यहां पर बने हैं, बड़ी जो कंट्रीज हैं, चाइना आप देख लीजिए, इटली देख लीजिए, यूएसए आप देख लीजिए, हालात समझिए। आपको मौका मिला है, प्लीज आपको बस करना है कि आप घरों में रहिए ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। और जो चेन एक फैली है इन्फेक्शन की, जो 1 से 2, 2 से 4 लगातार बन रही है, उस चेन को आपको ब्रेक करना है। आप गंभीरता को समझिए।